नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति का गुणगान करने वाले मैथिली शरण गुप्त जी को आज कौन नहीं जानता है। जी हां, मैं आज आपके समक्ष द्विवेदी युग के महान कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। पार्ट वन वीडियो में मैंने केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट टू वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट टू वीडियो के रूप में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। आइए, इस कविता में कुल 6 स्टेंजा हैं। आइए मैं एक एक स्टेंजा पढ़ता हूँ, फिर शब्दार्थ बताने के बाद इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टेंजा, ध्यान देकर सुनिएगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। आइए सबसे पहले संदर्भ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, फिर प्रसंग प्रस्तुत करूँगा, शब्दार्थ बतलाने के बाद फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगा। आइए संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के नर हो न निराश करो मन को शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के एक महान राष्ट्रप्रेमी कवि हैं। आइए अब प्रसंग। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र को आलस्य त्याग कर कर्मशील बनने की प्रेरणा प्रदान की है, तो वहीं दूसरी ओर अपने देश के गौरव व स्वाभिमान की रक्षा हेतु सदैव अच्छे कर्म करने की बात कही है। कवि ने इस कविता में मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। आइए अब शब्दार्थ। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ नर। आप जानते ही हैं, नर मतलब मनुष्य होता है। निराश यानी उदास या हताश। काम यानी कर्म या काज। मन यानी दिल या हृदय। जग यानी संसार या दुनिया। अर्थ यानी मतलब या प्रयोजन। अहो, अहो यहाँ पर अहो
संबोधन सूचक शब्द है, यानी हे मनुष्य सुनो। व्यर्थ यानी बेकार, उपयुक्त यानी सार्थक या ठीक, तन यानी शरीर। आइए अब मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं उपर्युक्त पंक्तियों को पुनः एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। पहली पंक्तियाँ, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहली दो पंक्ति, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मानव मात्र को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि न रहो न निराश करो मन को, यानी हे मनुष्य तुम इस संसार के श्रेष्ठतम जीवों में से एक जीव हो, तुम एक पुरुष हो, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, तुम एक मनुष्य हो, अतः तुम अपने मन को कभी भी हताश व निराश मत करो, कभी भी तुम अपने मन को छोटा मत करो, अर्थात तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उदास मत करो। यानी हे मनुष्य तुम किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने मन में निराशा व हताशा को मत आने दो, तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो, यानी कुछ काम करो कुछ काम करो। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी कभी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम कभी भी आलसी बनकर मत बैठो, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहो, तुम सदैव अपने आप को व्यस्त रखो। देखिएगा, जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी तुम ऐसा काम करो कि जग में तुम्हारा नाम हो जाए, यानी याद रहे कि तुम ऐसा काम करो जिससे सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। इस संसार में केवल तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा चारों तरफ नाम गूंज उठे। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। यानी हे मनुष्य तुम सोचो तुम्हारा जन्म इस संसार में आखिर क्यों हुआ है, अवश्य ही एक विशेष कारणवश तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ है, अर्थात इसका एक विशेष कारण है, अतः तुम्हें इसके अर्थ को समझना चाहिए, फिर इसमें डरने की कौन सी बात है। कवि यह कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल है। कवि मानव जीवन के अर्थ को समझने की बात कहते हैं तथा अर्थ समझकर केवल अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को समझे और हमेशा अच्छा काम करे, देश की भलाई के लिए वह काम करे। यानी कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य यह समझने का प्रयास करे कि उन्हें यह जीवन आखिर यानी तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है, फिर वह इसे व्यर्थ न जाने दे,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सोचते सोचते यह अवसर ही निकल जाए और तुम कुछ कर न सको। कारण समय बड़ा बलवान होता है, अतः तुम कभी भी बेकार बैठकर इस प्रकार समय को बर्बाद मत करो। अपने जीवन को यों ही बैठकर मत व्यतीत करो। बेकार बैठना अच्छी बात नहीं है, हमेशा तुम कुछ न कुछ काम करते रहो। हाँ, यह याद होना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करोगे वह काम देश के हित में होगा, जिससे समाज में तुम्हारा जय जयकार हो, सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, सभी लोग तुम्हारा यशगान करें। अब मैं इस स्टैंजा की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अतः हे मानव, यह हमेशा याद रखो कि बहुत परिश्रम करने के बाद तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है, अतः चुपचाप न बैठकर इस शरीर का कुछ तो उपयोग करो। यानी इस शरीर को तुम समाज तथा देश के हित में लगा दो, ताकि तुम्हारा यह जीवन सफल और सार्थक हो जाए। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि देश के हित में अपने आप को लगा देने से ही यह जीवन सार्थक हो जाता है। अतः हे मानव, तुम कभी भी अपने मन को हताश व निराश मत होने दो। कुछ अच्छा काम करो, जिससे सभी लोग तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करें, इस संसार में तुम्हारा नाम गूंजे, चारों तरफ तुम्हारी लोग प्रशंसा करें। न रहो न निराश करो मन को, यानी हे मनुष्य, तुम सदैव अच्छा काम करो, क्योंकि तुम एक पुरुष हो, तुम एक मनुष्य हो। तुम जो भी कार्य करोगे उससे समाज का भला होना चाहिए, तभी यह जीवन सार्थक होगा। अतः तुम अपने मन को कभी भी हताश व निराश मत करो। कभी भी तुम अपने मन को छोटा मत करो, अर्थात तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उदास मत करो। यानी हे मनुष्य, तुम किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपने मन में निराशा व हताशा को मत आने दो। तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो, यानी कुछ काम करो, कुछ काम करो। अब मैं दूसरी पंक्तियों को पढ़ता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए सबसे पहले उपर्युक्त पद खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ संभलो, यानी संभल जाना या सावधान हो जाना। सुयोग यानी अच्छा अवसर, व्यर्थ यानी बेकार, सदुपाय यानी अच्छा प्रयास या अच्छा कार्य या अच्छी कोशिश, भला यानी अच्छा, जग यानी संसार, निरा यानी बिल्कुल या केवल, सपना यानी स्वप्न, पथ यानी रास्ता, प्रशस्त यानी श्रेष्ठ या उत्तम, अखिलेश्वर यानी भगवान, अवलंबन यानी सहारा, नर, आप जानते ही हैं नर मतलब मनुष्य, निराश यानी हताश, मन यानी दिल या हृदय। यहाँ संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार दूसरी पंक्तियों को पुनः पढ़ता हूँ, ताकि अर्थ
समझ में आ जाए। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। व्याख्या करने के लिए मैं केवल दो दो पंक्तियों को पढ़ूंगा ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। पहली दो पंक्तियां, संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। यानी कवि मानव मात्र को संभलने की बात कहते हैं। कवि मानव मात्र को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम संभल जाओ, कारण समय बड़ा ही बलवान होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः तुम समय रहते संभल जाओ, तुम सावधान हो जाओ। याद रखो, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। अच्छा अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए समय से पहले ही तुम सावधान हो जाओ और अच्छे कार्य में लग जाओ। याद रखो, समयानुसार किया गया अच्छा उपाय या अच्छा काम या अच्छा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय का सदुपयोग करो, कारण समय का सदुपयोग करने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अतः तुम सावधान हो जाओ। अब मैं दूसरी पंक्तियां पढ़ता हूं। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यानी कवि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार को केवल कल्पना समझकर या केवल बुरा सपना समझकर मत जीवन व्यतीत करो। अर्थात तुम इस जग को कभी भी कल्पना मत समझो। जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए तुम अपना रास्ता स्वयं चुनो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। यानी कवि एक ही बात बार बार कहना चाहते हैं। हे मनुष्य, तुम अपना रास्ता खुद चुनो, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर हमारी सदैव सहायता करते हैं। याद रखो, तुम्हें सहारा देने के लिए ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ हैं। न रहो न निराश करो मन को। यानी अतः हे मनुष्य, तुम कभी भी अपने मन को हताश व निराश मत होने दो। अपने मन को कभी भी तुम छोटा मत करो, छोटा मत समझो। अर्थात तुम कभी भी अपने मन में हताशा व निराशा व उदासी को मत आने दो। तुम केवल सच्चे मन से कर्म करो और आगे बढ़ो। देखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब मैं अगली पंक्तियों को पढ़ता हूं, यानी तीसरा स्टैंजा। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। आइए उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ निज यानी अपना, गौरव यानी बड़प्पन या सम्मान, नित यानी हमेशा, ज्ञान यानी जानकारी, मान यानी इज्जत, गुंजित यानी गूंजना, तजो
यानी त्यागना, निज यानी अपना, साधन यानी सामान, नर आप जानते ही हैं यानी मनुष्य, निराश यानी हताश, मन यानी दिल या हृदय। यहाँ भी संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पूरी पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि अर्थ एकदम आपको स्पष्ट हो जाए। तीसरा स्टैंजा, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ फिर इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। पहली दो पंक्तियाँ, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। कवि मानव मात्र को कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मानव हो, तुम इस देश के निवासी हो, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो, अतः तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तुम इस देश के नागरिक हो, अतः तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे देश के गौरव को ठेस पहुंचे। याद रहे, तुम्हारी छोटी सी गलती या लापरवाही देश के गौरव को ठेस पहुंचा सकती है, अतः तुम सदैव सावधान रहो। याद रहे, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम इस देश के निवासी हो, तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ फिर इसकी व्याख्या करता हूँ। सब जाय अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। यानी कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि यह देश हमारा है। इस देश की मान मर्यादा की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः भले ही सब कुछ चला जाए, परंतु हमारे देश का यानी इस मिट्टी का मान सम्मान जाने नहीं पाए, क्योंकि इस देश में हमने जन्म लिया है। याद रखो, हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है। अतः जब तक तुम यह नहीं सोचोगे, तब तक तुम इस देश से सच्चा प्यार कैसे कर सकोगे। अतः तुम अपने होने के महत्व को समझो, तुम इस देश के निवासी हो, अतः तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम सदैव देश की रक्षा करोगे। तुम्हारा नाम कभी कलंकित नहीं होने पाए, कभी भी लोग तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सके, इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगली पंक्ति है, मरने पर गुंजित गान रहे। अतः तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे देश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए। अतः तुम्हें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ चला जाए, पर हमारे देश का मान सम्मान कभी नहीं जाने पाए, बल्कि तुम ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी तुम्हारा यशगान होता रहे, सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम चारों तरफ गूंजे। इस तरह तुम मर कर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, यानी तुम सदैव अच्छा कर्म करो। अगली पंक्तियां देखिए, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी हे मनुष्य, यह याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने देश का गौरव मिट्टी में मिलने नहीं दोगे। यानी
चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन तुम अपने देश की मान मर्यादा को कभी भी मिटने नहीं दोगे। तुम सदैव अपने देश का आत्मसम्मान की रक्षा करोगे। तुम सदैव अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करोगे। यही नहीं, चाहे कुछ भी अड़चन क्यों न आ जाए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, लेकिन तुम अपने कर्म को नहीं त्यागोगे। तुम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करोगे। तुम सदैव अपने देश की रक्षा करोगे। तुम सदैव ऐसा कर्म करोगे जो देश के हित में हो। न रहो न निराश करो मन को, यानी अतः हे मनुष्य, तुम अपने मन को कभी भी हताश व निराश मत करो। अपने मन को तुम कभी भी छोटा मत करो, यानी तुम कभी भी अपने मन में हताशा, निराशा व उदासी को नहीं आने दोगे, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो, तुम हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। अतएव तुम सदैव सच्चे मन से काम करो, प्रसन्नता पूर्वक तुम अपने देश के लिए काम करो और आगे बढ़ो। इस तरह हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित न रहो न निराश करो मन को सरसक कविता मानव मात्र को संकट व संघर्ष के क्षणों में एक आत्मबल या संबल प्रदान करती है। यह कविता एक निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करती है। यह कविता मानव मात्र को एक नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यही नहीं, यह कविता सच्चे अर्थों में मानव को मानव होने का गौरव प्रदान करती है तथा एक कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है कि हमें विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशावादी होना चाहिए और कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यह कविता यानी न रहो न निराश करो मन को सरसक कविता निराश व्यक्ति के मन में आशा की ज्योत जगाती है। निराश व्यक्ति के मन में नव जीवन का संचार करती है। उसे एक नई ऊर्जा, एक नया जोश प्रदान करती है। इस कविता से मनुष्य होने का सही अर्थ मिलता है। यह कविता मानव जीवन के अस्तित्व को उजागर करती कविता है। अतः यह एक प्रेरणादायी कविता है। निष्कर्षतः न रहो न निराश करो मन को सरसक कविता मानव को जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक प्रेरणास्पद कविता है। आशा करता हूँ आप न रहो न निराश करो मन को सरसक कविता में जो स्टैंजा है आप उसकी व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस कविता से जितने प्रश्न आ सकते हैं या आएंगे आप सही प्रश्नों का उत्तर देने में हर प्रकार से सक्षम साबित होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में कहीं कोई गलती दिखलाई देती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।